हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? बढ़िया बेटा, ऑल इज वेल। यस, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था प्रोडक्शन। आप सब अवेलेबल ही होंगे, या जो नहीं होंगे उन्होंने देखा होगा बाद में रिकॉर्डेड वन। जी, हमने स्टार्ट किया था बेटा प्रोडक्शन चैप्टर। ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्या पढ़ा था उसके बारे में बात करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। मैं एक बार चेक कर लूंगा कि जो मैंने समझाया था आपको आया था या बाउंसर था, पूछूंगा एंड ऑफ सेशन में। जी, तो बस एक टॉपिक्स के नाम बता देता हूं। हमने पढ़ा था यूटिलिटी, चार तरह की, एफओपी, लैंड, लेबर, कैपिटल अंडर मैनूवर, और हमने डिटेल फीचर्स करी थी लैंड की और लेबर की, राइट। और पर्सन का नेम था प्रोडक्शन चैप्टर के जिसने बेसिस बताए, पॉल ए सैमुएलसन, राइट। चलिए जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। लेक्चर नंबर टू प्रोडक्शन का। जी, लैंड की फीचर्स थी, लेबर की फीचर्स थी, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की फीचर्स नहीं है, है उससे रिलेटेड क्या बेटा? कैपिटल के टाइप्स हैं, कैपिटल फॉर्मेशन और एंटरप्रेन्योर की फंक्शन, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल। हमारे कोर्स में टोटल 7 टाइप्स ऑफ कैपिटल है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? एग्जाम्पल लिखा होगा या मीनिंग लिखा होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच टाइप ऑफ कैपिटल इट इज। फर्स्ट कैपिटल होती है बेटा फिक्स्ड कैपिटल, सेकंड सर्कुलेटिंग, थर्ड रियल या टेंजिबल, फोर्थ इनटेंजिबल, फिफ्थ सोशल, सिक्स्थ प्राइवेट, सेवन्थ एंड लास्ट ह्यूमन कैपिटल। टाइप्स ऑफ कैपिटल आपके स्क्रीन पे आ गया। द फर्स्ट, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, एग्जाम्पल करवा रहा हूं, हम खेलते हैं इसके साथ। फर्स्ट फिक्स्ड, नेक्स्ट सर्कुलेटिंग, टेंजिबल रियल इनटेंजिबल ह्यूमन सोशल प्राइवेट। जी, फर्स्ट फिक्स्ड का अपोजिट है सर्कुलेटिंग। सुनिए क्या होता है बेटा ये, जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, मैं करता हूं, आपके डैड मेरे डैड करते हैं, विद द मोटिव ऑफ लॉन्ग पीरियड, एंड जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं वो फिक्स्ड कैपिटल। आई रिपीट, जो इन्वेस्टमेंट, अच्छा इसमें हम लोग बात करें प्रोडक्शन की, बिजनेसमैन की, आपने जो घर में इन्वेस्टमेंट करी है वो इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर, नॉट कंज्यूमर, गॉट इट? जी, तो जो इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन ने करी विद द मोटिव ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्पैन, और जिस एसेट को वो बार बार यूज करेगा वो है फिक्स्ड कैपिटल, लॉन्ग पीरियड। सर्कुलेटिंग में कई बच्चे लिखते हैं शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड नहीं लिखना, लिखना है वन टाइम यूज, सिंगल टाइम यूज। आई रिपीट, शॉर्ट टर्म नहीं लिखा होगा, आप लिखना भी मत किसी सब्जेक्टिव पेपर में। सर्कुलेटिंग का मतलब होता है जो इन्वेस्टमेंट यूज कर सकता है उसका हमको बेनिफिट मिलेगा एक बार तक, देन खत्म, वैनिश। बार बार यूज करोगे लॉन्ग पीरियड तक बेनिफिट मिलेगा, फिक्स्ड एक बार यूज करोगे खत्म, सर्कुलेटिंग। ठीक है, मीनिंग क्लियर? चलो एग्जाम्पल के साथ खेलते हैं। मैं एग्जाम्पल दूंगा, अब मुझे बताना कि ये फिक्स्ड है लॉन्ग टर्म वाला या एक बार में खत्म होने वाला, सर्कुलेटिंग। ओके, जो बच्चे अभी लाइव क्लास देख रहे हैं पूरा लिखने में टाइम वेस्ट होगा, तो आप एक काम करना, फिक्स्ड के लिख देना एफ, सर्कुलेटिंग में सी, रेडी? फिक्स के लिए एफ, मुझे समझ आ जाएगा, सर्कुलेटिंग में सी। चलिए स्टार्ट, सचिन सर के एग्जाम्पल, आपका क्लासिफिकेशन। जी, आपने, मैंने लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा,
एज अ बिजनेसमैन तो वो फिक्स्ड है, सर्कुलेटिंग है. जल्दी, लैंड बिल्डिंग फिक्स्ड, लैंड का बेनिफिट लॉन्ग पीरियड तक, बिल्डिंग का बेनिफिट लॉन्ग पीरियड तक. ओके, प्लांट मशीनरी, जल्दी, प्लांट शॉर्ट, शॉर्टनिंग, सिंगल टाइम लॉन्ग पीरियड. यस, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, मशीन लॉन्ग टर्म, टूल्स इक्विपमेंट मशीनरी, सिंगल वाले. रॉ मटेरियल, हमने जो रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट करा, सोचिए मैंने कुछ रॉ मटेरियल खरीदे इस पेन को बनाने के लिए, वो इसमें यूज हो गए, पेन बन गया, तो रॉ मटेरियल तो यूज हो गए ना. ऐसा होता है इसमें रॉ लगाए फिर हमने निकाले, फिर लगाए फिर निकाले? नो. यस, तो रॉ मटेरियल एक बार लगाए उसमें यूज्ड हो गए टू मेक दैट फिनिश्ड प्रोडक्ट. कोल, सोच के हमने कोयला जलाया, उसके ऐश बन गया, एनर्जी मिली, उस ऐश का, राख का तो यूज नहीं होता ना, तो कोल भी एक बार. फिर क्या रहा हूं, शॉर्ट टर्म नहीं, सिंगल टाइम. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लैंड बार बार यूज, बिल्डिंग बार बार, मशीन टूल इक्विपमेंट बार बार, रॉ मटेरियल एक बार बनाया खत्म, कोल उसको बंद करा, एनर्जी मिली, ऐश बच गया, वेस्ट. पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल एलपीजी सीएनजी मैंने एक बार यूज करा, मुझे एनर्जी मिला, उसका कंबंशन हुआ, दोबारा तो यूज नहीं होता ना, तो ये भी तो यहां पे आया. इलेक्ट्रिसिटी, एक बार अप्लायंस को चलाने के लिए फ्लो ही खत्म. क्लियर बेटा सबको? पक्का जी? तो जिस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट लॉन्ग पीरियड तक मिलता है, अगेन अगेन फिक्स्ड, एक बार यूज में खत्म, सर्कुलेटिंग. ठीक है जी, चलिए सर, 7 में से 2 करवा दिए, नेक्स्ट. जी बेटा, रियल या टेंजिबल, रिवर्स इनटेंजिबल. जरा याद करो, 11th का बिजनेस स्टडीज में भी आया, इकोनॉमिक्स में भी आया, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, दोस इन्वेस्टमेंट, दोस गुड्स विच कैन बी सीन और टच्ड, टेंजिबल. ठीक कह रहा हूं, दोस गुड्स, दोस असेट्स विच कैन बी सीन और टच्ड इज कॉल्ड टेंजिबल, और जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, इनटेंजिबल. अच्छा, एक पॉइंट अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, जो इनटेंजिबल हमारी असेट्स है, हमारी इन्वेस्टमेंट है, हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं लीगली. सचिन सर के वर्ड्स पे ध्यान देना, स्पेशली इनटेंजिबल को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं लीगली, ताकि जो सचिन सर के पास है एसेट, वो आप लोग यूज ना कर ले, जैसे कॉपीराइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, लाइसेंस, राइट. कॉपीराइट आपने देखा होगा डीवीडी पे, सीडी पे या बुक्स पे, सी देन सर्कल होता है, कभी ऑब्जर्व करा? बोलो भाई, बोलो, करा होगा ऑब्जर्व? मैं तो खेलूंगा एग्जांपल के साथ, कहीं हम लोग बुकिश एग्जांपल नहीं पढ़ेंगे, हम जो रियल लाइफ के एग्जांपल को पकड़ेंगे, रखेंगे. यस, तो बात चल रही थी कॉपीराइट की, बुक्स पे देखा, डीवीडी पे देखा, स्मॉल सी सर्कल, तो बेटा वो कॉपीराइट है, उसका मतलब है कि उसका ऑथर मैं हूं, उसका ओनर मैं हूं. आप यूज करके दिखाओ, लीगली मैं ओनर हूं, मैं आपको रोकूंगा उसके यूज के लिए. ट्रेडमार्क, पेटेंट, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, इनटेंजिबल, ये चीजें दिखती नहीं है, फील होती है. टेंजिबल, लैंड, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट. अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, हम जो एग्जांपल अभी कर रहे हैं सर, ये जो आपने जो लिखा बिल्डिंग टूल इक्विपमेंट,
ये तो अभी पहले भी आपने पढ़ाई, अभी अभी 5 मिनट पहले, फिक्स्ड में, सर्कुलेटिंग में, जी। तो इसका ये मतलब निकला हमारे एग्जाम में चांस कम है एग्जाम्पल आने के, क्योंकि एग्जाम्पल ऐसे हैं, बिल्डिंग, बिल्डिंग फिक्स्ड में भी आ रहा है, टेंजिबल में भी आ रहा है, राइट। तो मेन आप लोग फोकस रखना कि वो जो एग्जाम्पल आया वो किस हेड में आया, ओके। बिल्डिंग एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, लैंड इक्विपमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वो किस हेडिंग में आ रहा है, ओके। तो पहले जो बिल्डिंग आ रहा था वो आ रहा था लॉन्ग पीरियड यूज के लिए, और अब बिल्डिंग आ रहा है टच सेंस में, राइट। इक्विपमेंट लॉन्ग पीरियड, रॉ मटेरियल सिंगल टाइम, और अब रॉ मटेरियल जो आया वो टेंजिबल टच के सेंस में आया, क्लियर जी। तो 7 टाइप्स ऑफ कैपिटल में से अभी हमने खेल लिया, समझ लिया, लर्न भी हो गया, मुझे उम्मीद है, उम्मीद है ना, लर्न हो गया पक्का, रट्टा नहीं जी। 4 टाइप्स ऑफ कैपिटल अमंग द 7, जल्दी से। पहला फिक्स्ड, जो यूज करते हैं लॉन्ग पीरियड का, बाय बिजनेसमैन, नॉट कंज्यूमर। नेक्स्ट, एक बार में यूज किया खत्म, सेकेंड टाइम बेनिफिट नहीं उठा सकते, सर्कुलेटिंग। थर्ड, जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, रियल टेंजिबल, रियल टेंजिबल सिनोनियम्स है, सिमिलर वर्ड्स है। और जिसको हम लोग टच नहीं करते, देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, उसे बोलते हैं इंटेंजिबल। और सचिन सर ने ऐड करा था अपनी तरफ से, इसको लॉ से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो मेरा एक्सक्लूसिव राइट रहे, कोई और यूज ना कर ले। मैंने मेहनत करी और आप उसको उस नाम से यूज कर रहे हो, मेरी गुडविल का बेनिफिट आप उठा रहे हो, नो। तो वो इनटेंजिबल चीजें रोकेंगी आपको, मैं ओनर हूं, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट, रियल थर्ड था, यस, इट्स फोर्थ वन जी बेटा। फिफ्थ, ह्यूमन कैपिटल, फिक्स्ड डन, सर्कुलेटिंग डन, रियल टेंजिबल डन, इनटेंजिबल, ह्यूमन कैपिटल। अब सुनिए बेटा, नाम में ध्यान दो, रट्टाफिकेशन नहीं, ह्यूमन कैपिटल। कैपिटल का मतलब है हमने खर्च करा, इन्वेस्ट करा। देखो कैसे मीनिंग डिराइव हो रहा है, कैपिटल खर्च करा, इन्वेस्ट करा, किस पे, ह्यूमन बींग्स पर, किसी सामान पे नहीं। कैपिटल खर्च करा, इन्वेस्ट करा, किस पे, ह्यूमंस पे। सोच के देखो, आप पे मेरे पे जो खर्च किया गया जिससे आपकी मेरी वैल्यू बढ़ जाए, एजुकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज, ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, बीएसटी में पढ़ा था, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, डिटेल नहीं है हमारे कोर्स में सर, ये ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। बेटा मैं जॉब भी कर रहा हूं, साथ साथ में ट्रेनिंग भी ले रहा हूं ऑन द जॉब। पहले ट्रेनिंग लेके आओ, फिर जॉब मिलेगी ऑफ द जॉब, राइट। तो फिफ्थ भी क्लियर हो गया, कैपिटल इन्वेस्ट करा, किस पे, ह्यूमन बींग्स पे, ताकि उसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो आपकी मेरी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, अगर हम लोग खर्च करते हैं, आपके पेरेंट्स खर्च कर रहे हैं अभी आपकी एजुकेशन पे, आपके स्किल पे, आपके नॉलेज, ट्रेनिंग, राइट, ह्यूमन कैपिटल। चलिए जी, लास्ट पेयर, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, प्राइवेट कैपिटल एंड सोशल कैपिटल जी। जिस इन्वेस्टमेंट का ओनर एक पर्सन होता है या कुछ पर्सन होते हैं, प्राइवेट कैपिटल। एग्जांपल से क्लियर होगा, आई रिपीट माय वर्ड्स, जिस इन्वेस्टमेंट का ओनर आप, आपके डैड, मैं या हम कुछ पार्टनर्स, वन ओनर या फ्यू ओनर्स, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट कैपिटल। सोशल, सोसाइटी,
पूरा सोसाइटी ओनर है, आपका घर प्राइवेट ओनर, ठीक है, आपके पापा के नाम पे घर होगा, मम्मी के नाम पे घर होगा, या जॉइंट, आपकी बिल्डिंग, आपका व्हीकल, आपकी कार, स्कूटर, बाइक, आपकी बुक्स, तो ये क्या हुआ, प्राइवेट कैपिटल। पूरा समाज मालिक है, पूरा सोसाइटी मालिक है। जैसे रोड्स, बोलूंगा ये रोड मेरे डैड की है, नो। हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट, नॉट प्राइवेट, गवर्नमेंट। पार्क्स, हाईवेज, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट लाइब्रेरी, क्या इसका कोई एक ओनर होता है? नहीं, पूरी सोसाइटी ओनर है, क्योंकि गवर्नमेंट इनको बनाती है आपके टैक्स के पैसों से, और सर्व करेगा आपका इंटरेस्ट, कुछ प्राइवेट का नहीं, राइट बेटा? तो इसके भी नाम से क्लियर, प्राइवेट, कुछ लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी, कुछ लोग ओनर, पूरा सोसाइटी मालिक, सोशल। पार्क्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, एक्सेट्रा। चलिए जी, वॉच देख के एक मिनट, यस यस यस, सचिन सर की हैबिट समझ आ गई होगी अब तो। जी, पहले मैं पढ़ाता हूं फिर आपसे पूछता हूं, मैं भूल जाता हूं ना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के कितने टाइप्स हैं, हम लोगों ने लैंड की फीचर पढ़ी, लेबर की फीचर पढ़ी, कैपिटल की फीचर नहीं, कैपिटल के टाइप्स है। जी, 7, जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, क्या बोलेंगे, फिक्स्ड। थैंक यू। बेनिफिट एक बार में मिल गया, खत्म, सेकेंड टाइम बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्या बोलेंगे, सर्कुलेटिंग। ये जो पॉज आया है आपके रिप्लाई के लिए आया है, मुझे आता है, ओके। नेक्स्ट, जिन एसेट्स को आप लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो कौन सी होती है, टेंजिबल। और टेंजिबल का अदर नेम क्या बताया, रियल। और जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं, वो कौन सी होती है, इनटेंजिबल, ओके। और जो आपके पे, मेरे पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, हो गई और हो रही है, ताकि आपकी मेरी वर्थ बढ़े, वो कौन सी होती है, भूल गए, चलो मैं एग्जांपल बताऊं, एजुकेशन, स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग, क्या बोलते हैं, ह्यूमन, ओके। एबीसी के पापा ओनर है, एक्स वाई जेड के पापा ओनर है, तो वो प्राइवेट हुआ, सोशल हुआ, प्राइवेट। पूरा सोसाइटी ओनर है, पार्क, स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट वन, सोशल। थैंक यू। चलिए जी, कैपिटल के टाइप हो गए। नेक्स्ट टॉपिक, वेल्थ, कैपिटल के टाइप्स हो गए। वेल्थ, प्यारे स्टूडेंट्स, वेल्थ के 3 टाइप्स होते हैं। अभी हम लोग इन जनरल वेल्थ का मतलब क्या समझते हैं, पहले इन जनरल देन इकोनॉमिक्स। सो वेल्थ का मतलब होता है किसी के पास प्रॉपर्टी है, कैश है, बैलेंसेस है, बैंक बैलेंसेस, रियल एस्टेट, ये वेल्थ है, ट्रू, कौन मना कर रहा है, यही तो होती है। अभी इन जनरल, सर मुकेश अंबानी, टाटा अंकल, आपके पास जो भी, मेरे पास जो भी, ये हमारी वेल्थ है, ये हो गए इन जनरल। अब इकोनॉमिक्स के सेंस में वेल्थ के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट बेटा, नेचुरल, सेकंड मैनमेड, थर्ड ह्यूमन कैपिटल। वेट बेटा, वेट, नेचुरल, मैनमेड, ह्यूमन कैपिटल। पहले हम लोग फर्स्ट सेकंड में डिफरेंस करते हैं, थर्ड तो हो रखा है, अभी आ भी जाएगा। जो गुड्स, एसेट्स नेचर ने बनाई, आपने मैंने नहीं, नेचुरल। नेक्स्ट, जो गुड्स आपने मैंने बनाई, वेल्थ आप, मैनमेड, आर्टिफिशियल, नेचर, नेचुरल। सचिन सर ने बनाई, आपने बनाई, एबीसी ने बनाई, पर्सन ने, मैनमेड। हमारे क्वेश्चन पेपर में हो सकता है इसके अदर नेम्स परेशान करते हैं, ठीक है बेटा, लिखा होगा
कि नेचुरल कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड, मैनमेड कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड. सुनिए, नेचुरल का अदर नेम होगा बेटा, नेचुरल का अदर नेम हुआ ओरिजिनल. नेचुरल बोलो, ओरिजिनल, प्राइमरी, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव नहीं, अभी नाम जस्टिफाई करवाऊंगा कि नाम ही क्यों पड़ा. नेचुरल बोले, ओरिजिनल बोले, प्राइमरी बोले, मेन एक ही बात है. याद करेंगे क्या लिखा सचिन सर ने, नेचुरल, ओरिजिनल, प्राइमरी, मेन. ठीक है, मैनमेड का अदर नेम आर्टिफिशियल. नेचुरल से मैंने बनाया, डिराइव करा, डिराइव्ड. वो प्राइमरी, ये सेकेंडरी. देखो नाम ना एक दूसरे के कंट्रास्ट है, नेचुरल और ये क्या लिखा, मैनमेड, ओरिजिनल आर्टिफिशियल, प्राइमरी रिवर्स सेकेंडरी, और वो उससे डिराइव हुआ, डिराइव्ड. चलिए नाम याद करिए, नेचुरल के नेम से आए, ओरिजिनल, प्राइमरी, मेन एक ही बात है, और जो आपने मैंने बनाया, मैनमेड, आर्टिफिशियल, डिराइव्ड, सेकेंडरी या कैपिटल. कैपिटल 1, 2, 3, 4 नेम्स, 1, 2, 3, 4, 5 नेम्स, इसके 4 नेम्स है इन टोटैलिटी, इसके 5 नेम्स है इन टोटैलिटी, और ह्यूमन कैपिटल का अदर नेम नहीं होता, नो अदर नेम. हम लोग कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप. मैं क्या कोशिश करता हूं, पहले मैं आपको मीनिंग करता हूं क्लियर, एक ओवरव्यू देता हूं, बेस बन गया, फिर ऊपर वाली बिल्डिंग आप खुद बनाते हैं, मुझे नहीं आती बनानी बिल्डिंग. ओके बेटा जी, चलिए मैंने नेम्स करा दिए, अभी मैं एग्जांपल करवाऊंगा, फिर आप भी मुझे बताओगे सर ये तो नेचर में बनाया, सर हमने बनाया जी. अभी हम लोग फर्स्ट सेकंड पढ़ रहे हैं, चलिए लर्न करिए फटाफट, फास्ट फास्ट फास्ट, स्पीड स्लो हो गई आपकी, मेरी स्लो नहीं हुई स्पीड जी. फर्स्ट, और ये किसके टाइप चल रहे हैं, कैपिटल के, लैंड के. वो जल्दी जल्दी मैं भूल गया, ये जो सचिन सर करवा रहे हैं नेचुरल, मैनमेड, ह्यूमन, किसके टाइप है, वेल्थ के, वेल्थ 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 के टाइप जी. आइए, फर्स्ट नेचुरल और ओरिजिनल और प्राइमरी और मेन, जो नेचर ने बनाया, आपने मैंने बनाया, मैनमेड, आर्टिफिशियल, डिराइव्ड, सेकेंडरी, कैपिटल. फर्स्ट सेकंड, थर्ड अभी हम लोग टच ही नहीं कर रहे. फर्स्ट के 4 नेम्स, सेकंड के 5 नेम्स. चलिए सचिन सर के एग्जांपल स्टार्ट, आपका क्लासिफिकेशन, फिर वही पूरा मत लिखना जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, एन फॉर नेचुरल और एम फॉर मैनमेड, राइट, नेचुरल है, मैनमेड है. स्टार्ट, फॉरेस्ट आपने बनाया, नेचुरल, नेचुरल, रिवर, नेचुरल, रिवर पे डैम किसी पर्सन ने बनाया, लेबर ने बनाया, मैनमेड. रिवर नेचुरल, डैम बनाया आपने मैंने, कैपिटल. ह्यूमन मैनमेड. माउंटेन्स नेचुरल, फॉरेस्ट नेचुरल, लैंड आराम से, लैंड नेचुरल, उसमें बिल्डिंग बनाई किसी कंस्ट्रक्टर ने, राइट, लैंड तो पीस ऑफ लैंड पड़ा हुआ है, उसको थोड़ा आप और मैं बनाते हैं, नेचुरल, बिल्डिंग, मैनमेड. ठीक है, चलिए 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 जल्दी, डेस्क मैनमेड, टूल्स इक्विपमेंट, कैमरा सेटअप मैनमेड. तो जो नेचर ने बनाया नेचुरल, आपने मैंने बनाया ह्यूमन, मैनमेड. ओके, और ये जो थर्ड वाला है इसको करवाने की नीड नहीं है, अभी तो करा, क्या करा, करा नहीं था 7 टाइप्स ऑफ कैपिटल में, ह्यूमन कैपिटल, आपकी मेरी क्वालिटीज जिससे हमारी वर्थ बढ़ी, एजुकेशन स्किल. ये देखो, अब कई बच्चों के मन में आया होगा क्वेरी, सर नेचर का समान वेल्थ,
हमारा सामान वेल्थ, तो ये ह्यूमन कैपिटल वेल्थ कैसे हुआ? आया क्वेरी? बोलते नहीं हो, नेचुरल वेल्थ कोल पेट्रोलियम, आपकी मेरी वेल्थ, ये कैपिटल वेल्थ कैसे हुई? बेटा आपकी जो नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, उसी से तो आप नेचर की चीजों को डिराइव करते हो, प्यूरिफाई करते हो, पैसा कमाते हो, नहीं? क्या बिना एजुकेशन के नेचुरल और ह्यूमन चीज बन सकती है, यूज हो सकती है? सोचो, बिना एजुकेशन, बिना क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के, तो जो आपकी एजुकेशन पे खर्च हो रहा है वो उससे क्या होगा? फ्यूचर इनकम, उससे आप फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट करेंगे। अभी इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर में इनकम, इनफाइनाइट पीरियड तक। क्लियर? यस सर। चलिए जी, दो टॉपिक्स हो गए, एक सेवन टाइप्स ऑफ कैपिटल और तीन तरह का वेल्थ, नेचर का, मेरा, हमारी क्वालिटीज। चलिए नेक्स्ट, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन जी, अगर मैं पिछली क्लास के साथ जोड़ू, शायद रिकॉल कर पाए, हमने ये पढ़ा था नेशनल इनकम में, ट्वेल्थ में, मैक्रो में। यस और नो? रिप्लाई नहीं आया। हम लोगों ने ट्वेल्थ में नेशनल इनकम में ये पढ़ा था कैपिटल फॉर्मेशन, पढ़ा था कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए, जो भी पढ़ा था, अब मैं अपने एंगल से करवाता हूं जी। बेटा कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना। किसका इंक्रीज हो जाना? कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स का बढ़ना, रॉ मटेरियल और लैंड बिल्डिंग का बढ़ना, उसे बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, राइट? फिर अच्छा, फिर भी नाम से क्लियर है, कैपिटल, कैपिटल गुड्स, फॉर्मेशन इंक्रीज होना। हमने फिर उसके नाम से मीनिंग डिराइव करा। कैपिटल का मतलब यहां पे इन्वेस्टमेंट से नहीं है, कैपिटल का मतलब कैपिटल गुड्स से, फॉर्मेशन बढ़ जाना। तो कैपिटल गुड्स का बढ़ जाना इन एन इकोनॉमी, इन एन अकाउंटिंग ईयर, इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन जी। राइज, इंक्रीज इन किस में? कैपिटल गुड्स में, जो प्रोड्यूसर को चाहिए, मशीन, टूल, इक्विपमेंट, इन एन अकाउंटिंग ईयर, इन एन इकोनॉमी, इंडिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, इज टर्म्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है जी, सब मीनिंग क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। बेटा हमारे कोर्स में एग्जांपल भी हो गए क्लियर, बिल्डिंग एक और खरीदी, मशीनरी एक और, टूल और, इक्विपमेंट और, मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड था, मैंने उस पर फ्लोर्स बनाई, तो अच्छा फिर कंज्यूमर की बात नहीं हो रही, प्रोड्यूसर की बात हो रही है, ओके? मैंने बनाई, मैं उसको रेंट पे देता हूं, इनकम आएगी, तो मैं कंज्यूमर नहीं हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं। कंज्यूमर तो तब हूं जब मैं उस इनकम को यूज करूंगा, राइट? जी, तो बिल्डिंग, इक्विपमेंट, लैंड, फर्नीचर, रॉ मटेरियल, एड ऑन, एड ऑन, एड ऑन, दैट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, हमारे कोर्स में कैपिटल फॉर्मेशन की स्टेजेस हैं, मीनिंग है, हो गया, स्टेजेस बोले, प्रोसेस बोले, एक ही बात है जी, स्टेजेस, प्रोसेस। सुनिए बेटा, फिर जरा एक टर्म को याद करेंगे, आप लोगों ने ट्वेल्थ में सुनना, पहले पूरी बात, मैं ये क्यों इलेवन ट्वेल्थ की बात करता हूं, ताकि जो आपने पढ़ा था वो रिकॉल हो जाए, यहां जुड़े। मैंने एक बात बताओ, मैंने कभी आपसे पूछा है कि ट्वेल्थ में आपने जो पढ़ा मुझे एक्सप्लेन करो? नहीं पूछा ना। इलेवंथ में जो पढ़ा एक्सप्लेन करो? मैं पूछूंगा भी नहीं, क्योंकि कई बच्चों ने पढ़ा भी नहीं होगा इलेवन ट्वेल्थ में, और जो पढ़ा होगा कईयों के लिए बाउंसर होगा, इसलिए करता हूं ताकि उस टॉपिक को यहां पे आप कनेक्ट कर सको, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करता जी। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। तो सचिन सर बोल रहे थे स्टेज, प्रोसेस
बीएसटी में पढ़ा था, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था, जो स्टेज और प्रोसेस होती है उसके पॉइंट्स सीक्वेंस में होते हैं। अगर आपने आगे पीछे करा जीरो मिला। ओके बेटा, आई रिपीट, किसी इसी इसकी नहीं, कैपिटल फॉर्मेशन की नहीं, किसी की भी प्रोसेस स्टेजेस के पॉइंट्स सीक्वेंस में होंगे। 1 2 3 4 5 वाला 1 में आ गया, 1 वाला 2 में आ गया, 0 क्रॉस चेक भी नहीं होगा आंसर। तो हम लोग अब प्रोसेस पढ़ेंगे कैपिटल फॉर्मेशन के। 3 स्टेप्स होते हैं, सीक्वेंस नहीं चेंज करेंगे। पहला स्टेप कैपिटल फॉर्मेशन का बेटा, सेविंग। सेविंग y इज इक्वल टू सी माइनस एस, y इज इक्वल टू सी माइनस एस। फिर याद करो, ये पढ़ा था 12th में इनकम डिटर्मिनेशन में, नहीं पढ़ा, मैं पढ़ा रहा हूं। y बेटा इनकम, c कंजम्पशन, s सेविंग। y इनकम इज इक्वल टू c माइनस s सेविंग। मैंने जो कमाया c प्लस s, जो मैंने कमाया उसके दो ऑप्शन है, या तो मैं खर्च करूंगा या सेव करूंगा। क्यों बेटा, ठीक कह रहा हूं, आपके डैड, मैं, हम जो भी वाई करते हैं, सपोज आपके डैड ने 1 CR कमाया, उसमें से 80 लाख खर्च करा, सी 20 लाख सेव करा, ठीक कह रहा हूं। तो इनकम के दो पार्ट्स हो गए, दो ऑप्शन हो गए, जो खर्च करोगे सी, सेव करोगे फ्यूचर के लिए एस। तो इस इक्वेशन में से पहला स्टेप बन गया एस सेविंग। किसकी प्रोसेस पढ़ रहे, कैपिटल फॉर्मेशन की। आइए, सचिन सर भूल गए। जी, फर्स्ट स्टेप का नाम सेविंग। सेविंग क्या इक्वेशन बताई थी मैंने, रिप्लाई नहीं आ रहा, टाइम दे रहा हूं बोलने के लिए, टाइप करने के लिए। y इज इक्वल टू c प्लस s। y का मतलब क्या है, y किसका सिंबल होता है, इनकम का, c बेटा कंजम्पशन, s स्टैंड फॉर सेविंग। तो जो 100 रुपीज अर्न करे, 50 खर्च, 50 सेव, 200 रुपीज अर्न करे, 180 खर्च, 20 सेव। ठीक है सर, चलिए सेकंड बताओ, सेकंड स्टेप। 3 स्टेप्स बताए थे मैंने कैपिटल फॉर्मेशन के। सेकंड होता है बेटा मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। थर्ड इन्वेस्टमेंट। एक्सप्लेन करो सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेविंग, सेकंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, थर्ड इन्वेस्टमेंट। इन तीनों स्टेप्स को 1 2 3 को कंबाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने अभी समझा दिया आपको सेविंग, वाई सी प्लस एस। अच्छा, एक वापस अगर मैं चलूं वापस, अगर हमको सिंपल सी मैथ, अगर मुझे एस निकालना है तो सी वहां जाके माइनस हो जाएगा, क्यों गलत हो, इतनी मैथ तो आती है, कौन सी रॉकेट साइंस की बात कर रहा हूं। अगर मुझे इस इक्वेशन में एस निकालना है, सेविंग निकालना है, सी वहां जाके माइनस हो गया, तो वाई माइनस सी इज इक्वल टू सेविंग, है ना बेटा, यस सर। चलिए मोबिलाइजेशन, बेटा मोबिलाइजेशन का मतलब होता है सेविंग को एक जगह पे कलेक्ट करना, अलग अलग जगह के सेविंग को एक जगह पे पूल टुगेदर इकट्ठा करना, उसे बोलते हैं
मोबिलाइजेशन. सुनिए एग्जांपल, बिना एग्जांपल के चलूंगा ही नहीं जी. सुनो फिर, बुक से नहीं, रियल लाइफ का एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट है. सुनिए, आप लोग कार खरीदने गए, प्रॉपर्टी खरीदने गए, ड्रेस खरीदने गए, क्या ऐसा करते हैं? अंकल बिल बनाओ, चलो इस पॉकेट में 10 रुपीज है, इसमें 30 है, रुको 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 रुको, यहां पे 2 रुपीज है, यहां पे 1000 है, ऐसा करते हो क्या? उस प्लेस में ऐसा सर्चिंग करते हो, इस पॉकेट में ये, इस पॉकेट में ये, इस पॉकेट में ये, बैंक में कितना है? क्या उस प्लेस पे, ट्रांजेक्शन प्लेस में ऐसे हम लोग पैसे ढूंढते हैं क्या? नहीं सर, हम लोग पैसा पहले से ही गैदर करके, पूल टुगेदर करके लेके जाते हैं, ताकि टाइम बचे उस ट्रांजेक्शन प्लेस पे आपका भी उनका भी. ठीक कह रहा हूं? प्रॉपर्टी खरीदने गए, यार ये पकड़िए 5 रुपए है, ये पकड़ इस यहां पे 1 लाख, अभी फोन करता हूं, तू दे तू दे. नो, तो एक जगह पे सेविंग को इकट्ठा करा, कार लेने गए, बाइक लेने गए, एसी लेने गए, कपड़े लेने गए, उस पैसे को इकट्ठा करके लेके गए मोबिलाइजेशन. देन उन पैसे को हमें लगा दिया शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया. और अभी बताऊंगा सेविंग इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या होता है. चलिए फटाफट, पहला किसकी स्टेज? कैपिटल फॉर्मेशन की. फर्स्ट सेविंग, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, इनकम कंजम्पशन प्लस सेविंग. सेविंग कैसे निकलेगी? सी वाई जाके माइनस हो गया, वाई माइनस सी. ठीक है, वो मैं भूल, फिर मेरी वीक मेमोरी, मैं भूल गया वो मैंने क्या बताया. अलग अलग सेविंग को हम लोग एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कलेक्शन नहीं, कलेक्शन, हटो, बोलो. वो एक जगह पे हम लोग सेविंग को इकट्ठा करते हैं, उसके लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया था? एम से मोबिलाइजेशन. देन शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट. तो फर्स्ट सेविंग, सेकेंड मोबिलाइजेशन, थर्ड इन्वेस्टमेंट. इन तीनों को कंबाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है बेटा, सुनिए अब सेविंग इन्वेस्टमेंट में एक डिफरेंस बताऊंगा, भूलना मत लाइफ लॉन्ग. ठीक है बेटा, सुनो, जो पैसा पड़ा हुआ है जिससे इनकम जनरेट नहीं होती, सेविंग. जो पैसा, फंड, कॉर्पस पड़ा हुआ है, इनकम जनरेट नहीं होती, सेविंग. इनकम की प्रोबेबिलिटी बन जाए, इनकम की पॉसिबिलिटी बन जाए, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. वेट, सचिन सर अपने वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं, कोई पैसा पड़ा है, कॉर्पस पड़ा है, उससे इनकम की पॉसिबिलिटी नहीं है, उसको बोलेंगे सेविंग. जिससे इनकम की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाए, मैंने इनकम नहीं बोला, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, आए ना आए, हमारी कैलकुलेशन, हमारी किस्मत, इनकम की पॉसिबिलिटी शुरू हो जाए, उसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे. चलिए बताना, यस नो में जवाब. मेरे वॉलेट में पैसा पड़ा है, वॉलेट पैसा पड़ा है, क्या इनकम की पॉसिबिलिटी है? बढ़ जाएगा, 1000-2000 हो जाएगा, पड़ा. नो, मेरे घर में पैसा पड़ा है, लॉकर में पैसा पड़ा है, बैग में पैसा पड़ा है, क्या वो इनकम आ रही है, इनकम की पॉसिबिलिटी है? भाई रिप्लाई क्यों नहीं देते सचिन सर? ऐसे नहीं चलते सचिन सर, आपसे पूछे चलते हैं हम लोग, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं. यस, ये जो बच्चा रिकॉर्डिंग भी देखेगा बाद में, उसको भी फील होना चाहिए लाइव क्लास का. जी यही तो स्पेशलिटी हमारी एमके गुप्ता क्लासेस की, बाकी एक्स वाई जेड का मैं नाम क्यों लूं? आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं जी, हम तो अपनी क्लास की बात कर रहे हैं. यस, आइए जी. तो सचिन सर बात कर रहे थे कि जो वॉलेट में पैसा पड़ा है बढ़ जाएगा. नो, घर में पैसा पड़ा हुआ है बढ़ गया, बैग में मनी पड़ी है बढ़ गई. नो, बैंक में रखा है पॉसिबिलिटी है, शोर्टी भी है, इंटरेस्ट मिलेगा, ये इन्वेस्टमेंट है. शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, गोल्ड, प्रॉपर्टी, पॉसिबिलिटी है कि जो पैसा लगाया बढ़ेगा, तो ये इन्वेस्टमेंट है. ओके, वॉलेट सेविंग, बैग में पैसा पड़ा है
सेविंग, घर में लॉकर में सेविंग, शेयर पॉसिबिलिटी, किसकी पॉसिबिलिटी, इनकम की, इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, कभी नहीं भूलेंगे आप कि सेविंग इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट। अब एंटरप्रेन्योर, जी एंटरप्रेन्योर ओनर, पूरी पूरी उम्मीद है अब जो सचिन सर बताने जा रहे हैं शायद ही पता हो, पता था अच्छी बात है, और जो भी सामने बैठे बच्चे गूगल नहीं करेंगे, गूगल बाबा साइड में, प्लीज रिक्वेस्ट है बेटा। एंटरप्रेन्योर, अभी आप लेमैन, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है आप लेमैन के लिए ओनर, ओनर जो रिसोर्सेस इकट्ठे करता है, रिस्क लेता है, बिजनेस चलाता है, वो एंटरप्रेन्योर होता है, ओनर होता है, राइट। अब मैं ठीक करता हूं आपको, अभी तक जो आपने पढ़ा, देखो इस बात को आगे बढ़ाते हैं, पहले मेरी बात से अग्री डिसअग्री करना, ये मेरे शायद सही विचार है, अगर आपके पास इनकम्प्लीट नॉलेज है, रॉन्ग नॉलेज है, रिस्पॉन्सिबल टीचर है, बोलो ठीक कह रहा हूं, इनकम्प्लीट नॉलेज या रॉन्ग नॉलेज, बेटा गलती आपकी नहीं है, गलती टीचर की है, ठीक कह रहा हूं जी। आइए वापस टॉपिक पे आते हैं, एंटरप्रेन्योर, बेटा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो नया बिजनेस स्टार्ट करे, ऑलरेडी वाले को टेक ओवर करता है, उसको एंटरप्रेन्योर नहीं बोलेंगे, ओके। न्यू बिजनेस स्टार्ट, न्यू वेंचर स्टार्ट, दैट पर्सन इज कॉल्ड, दैट मालिक इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। मेरे पास पैसा है, इनका बिजनेस चल रहा है, मैंने टेक ओवर कर लिया, एक्वायर कर लिया, तो वो कोई नया बिजनेस होना है, तो मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हूं, मैं एंटरप्रेन्योर उस कॉन्टेस्ट में होऊंगा, नया बिजनेस स्टार्ट, नया वेंचर स्टार्ट, ओके, फिर नहीं भूलेंगे आप। चलिए अभी हमने सिर्फ बताऊंगा नाम नाम दोबारा करके, टाइम क्यों वेस्ट करें, हम लोग सासा लर्न कर रहे हैं, लैंड की फीचर थी, लेबर की फीचर थी, कैपिटल के टाइप्स थे, रुको रुको कॉपी मत बोलो, कैपिटल के टाइप्स थे, फिर वेल्थ के टाइप्स, कैपिटल फॉर्मेशन की फेसेस, स्टेजेस इन सीक्वेंस, ओनर का हमारे कोर्स में क्या है, फंक्शन, ना फीचर है ओनर के, ना टाइप है, फंक्शन है। और एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर टर्म आएगा जो नया बिजनेस स्टार्ट करे। चलिए सर कराइए, समझ आ गया, मिस्टेक नहीं करेंगे। एंटरप्रेन्योर के फिर वही, अभी एक इन जनरल बोलते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, रिस्क लेता है, मैनेजमेंट करता है, कहीं डिस्प्यूट हो गया सॉल्व करेगा अपने बिजनेस में, टैक्स भरता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेगा, सैलरी देगा, रिक्रूटमेंट करेगा, मैनेजमेंट करेगा, सुपरविजन करेगा, एंटरप्रेन्योर। ये आपके वर्ड्स हैं इन जनरल, अब इकोनॉमिक्स वाले जी, चलो अभी अपने जनरल वाले को साइड में रखो, इकोनॉमिक्स वाला फर्स्ट, जो बिजनेस इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, न्यू बिजनेस इनिशिएट, न्यू जो टेक ओवर करेगा, एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन भी बीएसटी वाला वर्ड आ गया, पढ़ा था ट्वेल्थ में, मैं अपने तरीके से, वेट 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 वेट, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है एंटरप्रेन्योर, कोऑर्डिनेशन करता है। सचिन सर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, आपको आता नहीं आता मुझे पता नहीं बेटा, कोऑर्डिनेशन को का मतलब है कॉमन, कोऑर्डिनेशन वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है, को का मतलब है कॉमन, ऑर्डिनेशन का मतलब बेटा वर्किंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर विदाउट एनी डिस्प्यूट, विदाउट
एनी डिस्प्यूट, एनी कंफ्लिक्ट. कर रहा हूं एक्सप्लेन, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो. बिजनेस स्टार्ट करेगा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करेगा, कहीं डॉक्यूमेंटेशन है, वो कॉम्प्लायंसेस पूरी करेगा. कौन? एंटरप्रेन्योर. अगर उसके पास टाइम नहीं है तो वो किसी प्रमोटर को, किसी थर्ड पर्सन को रिक्रूट करेगा. ठीक है, भाई मेरे मुझे एक ब्रांच और ओपन करनी है. थोड़ा आज सचिन सर छुट्टी पे है, क्यों? सचिन सर ब्रांच ओपन करने के लिए लैंड देखने गए हैं, लेबर देखने गए हैं. ऐसा होता है, है? ऐसा होता है. और सुनो, एक आईसीआईसी बैंक की ब्रांच बंद पड़ी है, बाकी ओपन है. भाई ये क्यों बंद है? भाई यहां का मैनेजर ना छुट्टी पे है, क्योंकि ना वो मैनेजर छुट्टी पे है, बाकी स्टाफ छुट्टी पे है, वो और ब्रांच एक और ओपन करने तो लैंड देखने गए हैं. नो, अगर एक एंटरप्रेन्योर ऑक्यूपाइड है तो वह किसी थर्ड पर्सन को रिक्रूट करेगा कि मेरे बिहाफ पे आप डिसीजन लो, ये पकड़ो फंड, ये पकड़ो अथॉरिटी, चलो. तो आप कौन हो? प्रमोटर. आपको उसके बदले दूंगा रेमुनरेशन. या अच्छा, पार्टनर बनना मेरे साथ, चलो पार्टनर बन जाना, 2% ऑफ प्रॉफिट का पार्टनर, क्योंकि आपने मेरे सेटअप में हेल्प करी है. ओके, ठीक है सर. कोऑर्डिनेशन, मिलके काम करना बिना डिस्प्यूट के. चलो फिर आप मेरी हेल्प करना. अनफॉर्चुनेटली किसी बिजनेस में कोई डिस्प्यूट होता है वर्कर्स के बीच में, मैनेजमेंट वर्कर के बीच में, आउटसाइडर के साथ, तो हु वुड अल्टीमेटली सॉल्व? इंप्लॉइज या ओनर? बोलो कौन? कोर्ट जाना पड़ा, पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, कंप्रोमाइज करवाना पड़ा, इंप्लॉइज करवाएंगे कौन? ओनर, जिसका बिजनेस है, जो मालिक है. ये हुआ कोऑर्डिनेशन. अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो मालिक सॉल्व करेगा, हम इंप्लॉय नहीं. जी, नेक्स्ट, सेकंड फंक्शन, रिस्क बियरिंग. दो तरह के रिस्क बियर करता है एंटरप्रेन्योर, इंश्योरेबल, नॉन इंश्योरेबल. प्यारे शतानों, अटेंटिव रहना, क्योंकि इसमें एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तो मेरी जो अब कहानी चलेगी आराम से सुनते रहना. ठीक है बेटा, इसी सेकंड वाले में पूछूंगा. जी सर, समझाइए. इंश्योरेबल, नॉन इंश्योरेबल, ये दोनों रिस्क बियर करता है एंटरप्रेन्योर. फिर इसके नाम से क्लियर है, जिन रिस्क का इंश्योरेंस हो सकता है इंश्योरेबल, इंश्योरेंस नहीं हो सकता नॉन इंश्योरेबल. द रिस्क, द हैपनिंग्स विच कैन बी इंश्योर्ड, इंश्योरेबल रिस्क, इंश्योरेंस नहीं होगा नॉन इंश्योरेबल. चलो फिर आप मुझे बताना इंश्योरेबल है नॉन इंश्योरेबल. एग्जाम्पल मेरे, क्लासिफिकेशन आपका. फिर आप ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स पूरा मत लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आई इंश्योरेबल के लिए एंड नॉन इंश्योरेबल के. मैं समझ जाऊंगा. स्टार्ट. फायर, फायर का इंश्योरेंस होता है? यस सर, प्रीमियम दो, इंश्योरेंस करवाओ. थेफ्ट, थेफ्ट इंश्योरेंस होता है. मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, यस सर, करवा रखा आपके डैड ने, मेरे डैड ने मेडिकल इंश्योरेंस, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने एम्प्लॉइज का, अपने स्टाफ का. फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस. चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, आई एम वेटिंग फॉर ए रिप्लाई. चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, इट इज इंश्योरेबल और नॉन इंश्योरेबल? गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी फ्यूचर में, मुझे क्या पता? क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी हमेशा मेरे फेवर में रहेगी? क्या मेरे कभी अगेंस्ट नहीं हो सकती? इंश्योरेंस, टाटा इंश्योरेंस इधर आओ, बजाज इंश्योरेंस इधर आओ. आप एक काम करो, आप ना इंश्योरेंस करो, गवर्नमेंट की पॉलिसी हमेशा मेरे फेवर में रहनी चाहिए, ये पकड़ो प्रीमियम. उसको खुद ही नहीं पता कि गवर्नमेंट की पॉलिसी मेरे फेवर में रहेगी या उसके फेवर में रहेगी. इंश्योरेंस नहीं होता गवर्नमेंट पॉलिसीज का. चेंज इन फैशन, इंश्योरेंस करो, इस चीज का हमेशा फैशन रहेगा, कभी ओल्ड फैशन नहीं होगी. कैसी एब्सर्ड बातें कर रहे हो, नॉनसेंस बातें कर रहे हो.
समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, गवर्नमेंट की पॉलिसी का इंश्योरेंस नहीं होता, फैशन का इंश्योरेंस नहीं होता, चेंज इन कॉम्पिटिशन। क्या आप लोग इंश्योरेंस करवाओगे मेरे सामने सेम शॉप ना खुले? करवाओ मेरे सामने, मेरा जिम सामने कोई जिम और ना खुले, मेरा कोचिंग सामने कोचिंग ना खुले, ये कैसा इंश्योरेंस है? होता ही नहीं। गवर्नमेंट पॉलिसी, फैशन, कंपटीशन, टेक्नोलॉजी, हमेशा मेरा टैली का सॉफ्टवेयर लेटेस्ट रहे, कभी नया वर्जन ना आए। करो करो इंश्योरेंस करो, मेरा टैली का वर्जन लेटेस्ट रहे, नया वर्जन आएगा मुझे खर्चा करना पड़ेगा, ऐसा हो ही ना। फॉरेन पॉलिसी में चेंज, इंश्योरेंस कर दो, फॉरेन पॉलिसी में चेंज ना जी ना। थेफ्ट इंश्योरेबल, फायर इंश्योरेबल, मेडिकल इंश्योरेबल, गवर्नमेंट की पॉलिसी आपके फेवर में रहे, फैशन, कंपटीशन, टेक्नोलॉजी, फॉरेन पॉलिसी। चलो फॉरेन पॉलिसी के एग्जांपल अभी के कॉन्टेक्स्ट में देता हूं, फिर अग्री डिसएग्री करना। रेडी? फॉरेन पॉलिसी, किसी पर्सन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था अफगानिस्तान के साथ, सुनना, अफगानिस्तान के साथ था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस। तो देख रहे हो अभी अफगानिस्तान में जो तालिबान के साथ वॉर चल रही है, सिविल वॉर चल रही है, तो क्या इस कंडीशन में वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट फुलफिल होंगे? बोलो। या जो पहले गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट हो रखा है, क्या तालिबान गवर्नमेंट पूरा करेगी? वो तो गवर्नमेंट ही नहीं है, वो कौन सी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। इसलिए बेटा क्या रहेगी फॉरेन की पॉलिसी मुझे नहीं पता, तो इंश्योरेंस वाले करते भी नहीं इंश्योरेंस। चलिए अब मैं दो तीन टर्म्स बताऊंगा, वो इसी इंश्योरेंस के कॉन्टेस्ट में है, आगे सी एंटर में भी काम आएगा, इस कॉन्टेस्ट में है। सुनिए, शायद अभी अकाउंट्स में भी है। थेफ्ट, चोरी, इंश्योरेंस होता है। छोटी मोटी चोरी को बोलते हैं पिलफरेज, थेफ्ट इंश्योरेंस होता है। छोटी मोटी चोरी को बोलते हैं बेटा पिलफरेज। फिर शायद आपकी वोकैबुलर में ये वर्ड नहीं था पिलफरेज, तो आपने स्प्लिट करके बोला, आपकी दो तीन बार स्प्लिट करके बोलोगे, आपके प्रोनाउंसिएशन ठीक, स्पेलिंग ठीक, पिलफरेज। तो बेटा पिल के स्पेलिंग क्या हुए? बोलो बोलो बोलो, पिल के स्पेलिंग PIL, फ्रेज FERAGE, पिलफरेज, पिलफरेज, दो तीन बार पिलफरेज, अब इकट्ठा बोलो पिलफरेज। थेफ्ट इंश्योरेबल, छोटी मोटी चोरी पिलफरेज का इंश्योरेंस नहीं होता। सुनिए और आप भी एग्जांपल देना, मेरे दो तीन एग्जांपल आपके लाइन लग जाएगी। करूं शुरू? जी। घर के बाहर या घर के अंदर मोटर लगी हुई है, ऑफिस के अंदर मोटर लगी, पानी की मोटर, कोई उतार के ले गया, पिलफरेज। बल्ब उतार के ले गया, देखा होगा अनफॉर्चुनेट, आपके साथ मेरे साथ भी होगा ये, कोई पानी की मोटर उतार के ले गया, बल्ब उतार के ले गया, मीटर उतार के ले गया, साइकिल बंदी हुई थी या बिना बंदी हुई साइकिल थी वो कोई उठा के ले गया, ये होता पिलफरेज, इसके इंश्योरेंस नहीं होता। कोई मैकेनिक, सुनना, कोई मैकेनिक स्कूटर रिपेयर कर रहा है या पंचर लगा रहा है, तो वो रोड पे ही करता है, तो उसके टूल पड़े हुए थे रैक पिकर, जो ये कूड़ा उठाने वाले होते हैं, वो रैक पिकर उसका कूड़ा वो उठा के लेके टूल, तो क्या इसका इंश्योरेंस होता है? ये पिलफरेज है, छोटी मोटी चोरी। अनफॉर्चुनेटली उसका अंदर का इन्वेंट्री चोरी हो गया, शॉप के अंदर का, इंश्योरेबल है, मैंने प्रीमियम भरा है, क्लेम दो, लेकिन रोड पे जो मेरे टूल पड़े हुए हैं चोरी हो गए, पिलफरेज इंश्योरेंस नहीं होता। तो क्या आपके पास भी है एग्जांपल पिलफरेज के? सचिन सर ने तो बोला मीटर उतार के ले गया, साइकिल ले गया, रैक पिकर ले गए सामान उठाकर, ये पिलफरेज। बोलो बेटा और कोई एग्जांपल पिलफरेज का? चलो मैं चुप हो गया, मैं 10 सेकंड की चुप, जब तक आपके एग्जांपल नहीं आएगा पिलफरेज का मैं चलूंगा ही नहीं। पिलफरेज, 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 यस
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा वो मूवी में से देख के तो नहीं बोल रहे, मैं बताता हूं क्या बोला उसने। कार के नीचे जैक लगाया, टायर्स उतार के ले गए है ना, जैक लगाया टायर उतार के ले गए फिल फ्रिज। चलिए जी, एम बेजलमेंट, एम बेजलमेंट इंश्योरेंस होता है सर, ये क्या चीज है एम्बेजलमेंट? थेफ्ट इंश्योरेबल, पिलफरेज नॉन इंश्योरेबल, एम्बेजलमेंट ये भी बीएसटी में आया होगा, 11th 12th में पक्का आया होगा। भूल गए, मैं नहीं बोला, सुनो एम्बेजलमेंट बेटा, एम्बेजलमेंट का मतलब होता है कोई फ्रॉड करा मेरे इंप्लॉइज ने, तो जो मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ वो, तो मैं प्रीमियम भर रहा हूं। इन केस फाइनेंशियल लॉस होता है किसकी वजह से, इंप्लॉइज की वजह से, कस्टमर नहीं गवर्नमेंट नहीं, इंप्लॉइज की वजह से लॉस हुआ तो मुझे पैसा मिलेगा, क्लेम मिलेगा फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। और अभी बताऊंगा कि ज्यादातर ये कौन से कंपनीज वाले कराते होंगे। देखो जहां पे ज्यादा कैश इन्वॉल्व होता है ना, ज्यादा कैश, वो कंपनी मेरे हिसाब से जरूर करवाती होगी एम्बेजलमेंट इंश्योरेंस। गलत तो नहीं कह रहा, बैंक चलो बैंक सेफ है, लेकिन जो एटीएम फिलिंग वैन वाले होते हैं, सोच के देखो, मैं किसी पे फिंगर पॉइंट नहीं कर रहा बेटा, मैं हर किसी को चोर नहीं कह रहा बेटा, मैं जस्ट एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं, कभी कोई पर्सन बुरा मान जाए कि सर मेरे डैड वो जॉब करते हैं आप, नहीं नहीं बेटा नॉट एट ऑल, अगर आपकी फीलिंग हर्ट हुई है सॉरी, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। रिस्क कहां पे है, जो एटीएम फिलिंग वैन है ठीक है, कितना कैश इन्वॉल्व होगा, अगर ड्राइवर और गनमैन दोनों आपस में नेगोशिएशन करें, भाई यहां पे 3 CR ऐसा है लेके भाग जाता हूं, जब तक मेरा मैनेजर जागेगा, जब तक हमारी वैन ट्रेस होगी, हम होंगे नेपाल में, कितना कैश इन्वॉल्व है, बैंक के अंदर से चोरी वो थेफ्ट इंश्योरेंस हुआ, लेकिन ये एटीएम फिलिंग वैन वाले गड़बड़ कर गए, घपला कर गए, पैसे लेके भागे, एम्बेजलमेंट करवाते हैं इंश्योरेंस। और कैश इन्वॉल्व है, कोई कैशियर, स्कूल का कैशियर, कॉलेज का कैशियर, हमारे सी इंस्टीट्यूट का कैशियर, कैश डिपॉजिट करना इवनिंग तक, मैं इवनिंग में लेके ही नहीं गया बैंक में, या बॉस के पास मैं अपने घर ले गया या भाग गया। अच्छा फिर मेरी बात से अग्री डिसअग्री कर रहा, तो आपने देखा भी होगा जहां पे ज्यादा फीस इन्वॉल्व होती है तभी इंस्टीट्यूट ने रूल बना रखा है कि आप हार्ड कैश में मत दो, आप ऑनलाइन ट्रांसफर करो, डीडी दो। हमारे सी इंस्टीट्यूट में भी तो यही है, डीयू में नहीं करा क्या, हार्ड कैश लेके गए थे, ऑनलाइन करा, ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, सीए सीएस सीएमए एमबीए बीबीए बताओ, आप हार्ड कैश लेके गए थे, इसलिए लेके गए थे कि वहां पे इतना सारा कैश इकट्ठा हो गया, या तो मेरा एम्प्लॉइज बेईमान हो गया, या कोई वहां पे कोई बाहर से थीफ आ गया, चोर आ गया, ले जा, जा ले जा चेक, ले जा, जा ले जा चेक, मैं तो स्टॉप पेमेंट करवा लूंगा, ले जा तू डीडी। ओके दिस इज एम्बेजलमेंट, फ्रॉड डन बाय एम्प्लॉइज, उस इंश्योरेंस को बोलते हैं एम्बेजलमेंट, और ज्यादातर वो कंपनीज करती है जहां पे हार्ड कैश ज्यादा इन्वॉल्व है। एग्जांपल दे दिए, एटीएम फिलिंग वैन, एटीएम फिलिंग वैन, या कोई कैशियर ऑफ बिल पेमेंट, राइट। पहला 3 में से 2 फंक्शन पे अभी वार्तालाप हुआ है, हाँ वार्तालाप वार्तालाप, सुनिए। पहला था एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, न्यू 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 कोऑर्डिनेशन, कहीं डिस्प्यूट होगा इंप्लॉइज में, आउटसाइड मालिक हैंडल करेगा, हम इंप्लॉइज नहीं। नेक्स्ट रिस्क 2 बियर करता है, इंश्योरेबल नॉन इंश्योरेबल, ठीक है। चलिए 10 मिनट पहले मैंने बोला था ना कि एक क्वेश्चन आएगा
आपके लिए लॉजिकल इस पे रिलेटेड आ गया। आ गया जी, सुनिए क्या आ गया। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं अब इतना एक्सप्लेन करने के बाद सेकंड पॉइंट, अब मैं जो चाह रहा हूं आंसर गलत नहीं होगा। प्लीज सचिन सर को फेल मत करना। अगर आपका रिप्लाई इतना समझाने के बाद भी आपका रिप्लाई गलत आता है तो आप नहीं बेटा मैं फेल हो रहा हूं। यस जी, तो मुझे फेल मत करना, ठीक है बेटा। सुनिए, तो मुझे अब बताइए इंश्योरेबल नॉन इंश्योरेबल किस को बियर करना, किस को फेस करना का रिवॉर्ड प्रॉफिट है। आई रिपीट, इंश्योरेबल नॉन इंश्योरेबल इन दोनों रिस्क में से किस को बियर करना, फेस करना, बर्दाश्त करना का रिटर्न कंसिडरेशन इज कॉल्ड प्रॉफिट। चलिए मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर की, सोच लो, लेकिन ज्यादा नहीं, 10 सेकंड दूंगा, ज्यादा नहीं, पता लगे सोचते सोचते आपकी इवनिंग हो गई, ऐसा नहीं। क्वेश्चन तो समझ आके दो बार बोल दिया, आगे रिप्लाई सुनिए। बेटा जो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं वो कमा रहा हूं नॉन इंश्योरेबल को बियर के बदले, नॉन इंश्योरेबल। अभी अभी आपका रिप्लाई बंद, नॉन इंश्योरेबल। देखो इंश्योरेबल पे मेरा रिस्क कम है, रिस्क मेरा कम है, टेंशन कम है। अनफॉर्चुनेटली अगर आग लग जाती है तो मुझे पैसे मिल गए तो क्या वो पूरा लॉस मैंने बियर करा? बोलो, मैंने तो 5,000 का प्रीमियम दिया था, ठीक है ना, फायर का, थेफ्ट का, मेडिक्लेम का, 5,000 का प्रीमियम दिया, 10,000 का प्रीमियम दिया, अनफॉर्चुनेट लॉस हो गया। कंपनी पैसा दो भाई, कितने की पॉलिसी? 1,00,000 की दो। मेरी कितने की है पॉलिसी? 1,00,000 की निकाल। एग्रीमेंट साइन हुआ हमारा, मना कर रहे हो, चला देखो मैं कोर्ट लेके चलूं, ठीक कह रहा हूं। तो ये फायर, थेफ्ट, एम्बेजलमेंट, मेडिकल, इसकी टेंशन नहीं है मेरे को ज्यादा, क्योंकि प्रीमियम भर के मैं टेंशन फ्री होकर आराम से सोऊंगा, क्योंकि अगर लॉस हो गया कंपनी बैठी है, और अगर मना करती है मेरे पास बॉन्ड है, एग्रीमेंट है, मैं कोर्ट ले जाऊंगा, लेकिन पूरा का पूरा मेरे सिर के ऊपर है। क्या? गवर्नमेंट पॉलिसी, फैशन, टेक्नोलॉजी, फॉरेन पॉलिसी, पिल्फरेज, इसका तो इंश्योरेंस कंपनी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। सचिन सर खुद संभालो, पिल्फरेज, फॉरेन पॉलिसी खुद संभालो। तो इनको फेस करना 100% रिस्क ऑन मी, इसको जब मैं बर्दाश्त करता हूं, फेस करता हूं, रिटर्न इज कॉल्ड प्रॉफिट। और मैंने कल बताया था प्रॉफिट का सिंबल पाई होता है, जो मैथ्स में हम लोग पाई बनाते हैं। क्लियर है? फायर की टेंशन मुझे पूरी, थेफ्ट की टेंशन मुझे, एम्बेजलमेंट की टेंशन 100%, और प्रीमियम तो दिया है 100% टेंशन। यहां पे बर्डन एंटरप्रेन्योर की होता है, आपके डैड भी बिजनेसमैन है, ये नॉन इंश्योरेबल। तो नॉन इंश्योरेबल को बर्दाश्त करना, फेस करना, बियर करना का रिटर्न इज कॉल्ड प्रॉफिट। इसको अनसर्टनिटी भी बोलेंगे, अनसर्टनिटी, अनसर्टनिटी। सर्टन है नहीं तभी इंश्योरेंस भी नहीं होता, ठीक है जी। आइए जी, थर्ड एंड लास्ट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, इनोवेशन। इनोवेशन तीन फंक्शन में से सबसे मेन फंक्शन ये होता है, बिजनेस स्टार्ट करना नहीं होता, रिस्क बियर करना नहीं होता। द मेन फंक्शन, प्राइम फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज इनोवेशन। किसी चीज को बेटर, इंप्रूव्ड बनाना। सुनना बेटा, अभी रिप्लाई बंद, मैं रिप्लाई खुद आपसे मांग लेता हूं, अभी रुको ताकि मेरा रिदम ना टूटे। किसी चीज को बेटर, बेटर वर्स, सॉरी नॉट वर्स, बेटर इंप्रूव्ड, रिफाइन करना, उसे बोलते इनोवेशन। अच्छा सोच के देखो, एंटरप्रेन्योर बिजनेस तो कोई भी स्टार्ट कर लेगा,
रिस्क कोई भी बियर कर लेगा, लेकिन किसी बिजनेस की सक्सेस फेलियर डिपेंड करता है क्या वो इनोवेशन कर पाया है नहीं कर पाया। अगर वो समय के साथ साथ चलता है, अपने को समय के साथ साथ लेके चलता है, टेक्नोलॉजी के साथ लेके चलता है, फैशन डिमांड के साथ लेके मैं चलता हूं बिजनेसमैन, तो मैं सक्सेसफुल हूं, नहीं तो मैं डाउन 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 हूं। तो ये मेन फंक्शन है। अभी एग्जांपल के साथ खेल रहे हैं, रियल लाइफ की एग्जांपल आप भी दोगे। शुरू शुरू मैं करता हूं, एड ऑन आप करते एग्जांपल का जी। बेटर, इंप्रूव्ड, न्यू थिंकिंग, इनोवेशन, न्यू आइडियाज, इनोवेशन, इंप्रूवमेंट, अपग्रेड, जी ठीक है सर, मीनिंग हो गया। अब एग्जांपल के साथ जल्दी से हम प्ले करते हैं। हाँ करते हैं प्ले। तो बेटा आपने एक कार का नाम सुना है इनोवा, इनोवा, इनोवा का जो नेम है इनोवेशन से डिराइव हुआ है। द नेम ऑफ द कार इनोवा हैज बीन डिराइव फ्रॉम इनोवेशन। पहले उसकी आती थी क्वालिस, क्वालिस, यस मैं ठीक रिकॉल कर पाया, यस इनकी कार थी क्वालिस। क्वालिस को बंद कर दिया, उसका बेस वो रहा कार का चेसी, ऊपर सारा मॉडल वॉडल चेंज करा, अंदर का चेंज करा, बस चेसी वो रखी। तो क्वालिस को बंद करा, लेके आए इनोवा, इनोवा इनोवेशन। हमें देखा होगा क्या एप्पल फोन का नया मॉडल नहीं आता, कार का, बाइक का, बोलो क्या जो आपके पास कार है क्या वो 10 साल तक वही मॉडल रहेगा? क्यों 6 months, 8 months, ईयर इंप्रूव्ड मॉडल आता है, आपकी हो जाती है ऑब्सोलीट। ठीक है ना, आपकी ऑब्सोलूट और आपकी वैल्यू बनी रही क्योंकि आपका लेटेस्ट मॉडल है, आपका लेटेस्ट मॉडल नहीं है, आपका हो गया 2 मॉडल पुराना, 3 मॉडल पुराना। और सुनो, कार, बाइक, हमारे फोन में भी तो होता है, अब वो मैसेज आता है सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए, राइट। और सुनिए बड़ा फनी एग्जांपल, बट इसी कॉन्टेस्ट में है, ये टूथपेस्ट कभी कहता है इसमें सॉल्ट है, कभी कहता है चारकोल है, कभी कहता है नीम है, क्यों जी? नहीं, नाम नहीं लेंगे किसी कंपनी का, क्यों नाम ले भाई, किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे भाई, हमारे ऊपर कोई डिफेमेशन केस ना करते, हमको करवाना भी नहीं है, हम तो इन जनरल बात करें, क्यों नाम ले किसी, क्यों किसी की बुराई करें, समझदार को इशारा काफी, हम किसकी बात करें, क्यों जी? ठीक कह रहा हूं जी। तो कभी सॉल्ट वाला कहता है, ओ, कभी पेस्ट वाला कहता है टूथपेस्ट वाला कि इसमें चारकोल है, नीम है, ओ भाई तू पेस्ट बना रहा है या हवन कर रहा है, इनोवेट कर रहा है, ये नहीं 10 साल से मेरा वही पेस्ट बिक रहा है। ओ सुनो, ये जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स की रिफिल आती है, ऑल आउट, गुड नाइट, सुनो रिफिल वही होती है, मशीन की बॉडी चेंज करते रहते हैं, ठीक कह रहा हूं, कभी वो बटन वाला बना दिया, कभी स्लाइड वाला बना दिया, कभी वो पावर, पता नहीं क्या क्या, आपको ज्यादा पता है, मैं तो टीवी देखता भी नहीं इतना, ठीक कह रहा हूं। लेकिन कितने क्लेवर कंपनी है बेटा, कितनी क्लेवर कंपनी है, रिफिल वही, मशीन बदलते रहेंगे, बट स्लाइड, बटन, किसी भी कंपनी का रिफिल सेट हो जाता है जी। तो वो इनोवेशन है। डिटर्जेंट में देख लो, डिटर्जेंट में कभी वो कलर बदल देंगे, पैकेट का शेप, कलर, पैकेट कलर बदल दिया, कभी अंदर कलर डाल दिए जी। तो जो इनोवेट नहीं कर पाया वो आउट। तो सचिन सर की बात शायद प्रूव हो रही है, पहला फंक्शन इनिशिएट कोई भी कर लेगा, कोऑर्डिनेशन कोई भी कर लेगा, रिस्क बियर कर लेगा, लेकिन जो मेन खेल है, मेन खेल, सक्सेस और फेलियर ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड्स मेनली ऑन इनोवेशन फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर।
सही कह रहा हूं बेटा? आप बेटा आपने भी तो इनोवेशन करनी है। देखो इनोवेशन गुड्स एंड सर्विस दोनों में होती है। इनोवेशन सिर्फ गुड्स में नहीं होती, सर्विस में भी होती है। बताता हूं, पहले ब्लैकबेरी का फोन था, ब्लैकबेरी, उसमें चलता था बीबीएम सर्विस, ब्लैकबेरी टू ब्लैकबेरी, आपके डैड के पास होगा। ब्लैकबेरी का सर्विस था बीबीएम, ब्लैकबेरी टू ब्लैकबेरी, एसएमएस फ्री, एक कुछ चार्ज देना पड़ता था। उस बीबीएम सर्विस का बैंड बजा दिया, खत्म ही हो गया, ब्लैकबेरी फोन ही बंद हो गया जब से आया एंड्रॉइड। क्यों? व्हाट्सएप, ठीक कह रहा हूं, कहां है ब्लैकबेरी फोन, कहां है वो बीबीएम सर्विस, बीबीएम, बीबीएम, वो खत्म, क्योंकि उसने अपने आप को इनोवेट नहीं करा। और व्हाट्सएप को देख लो, ठीक कह रहा हूं, व्हाट्सएप, फेसबुक, एंड्रॉइड मार्केट में टिका हुआ है क्योंकि वो इनोवेट कर रहा है। नोकिया क्या वापस बन पाया लीडर इनोवेशन में? फेल। टी सीरीज किंग होया करता था, किंग हुआ करता था, किस फील्ड में? कैसेट में, ऑडियो कैसेट। टी सीरीज से मिस्टेक हुई, अब ये भी बताऊंगा, एक में चूका दूसरे में हिट है। रुको, ये होता है एक सही योद्धा, अगर मेरे से एक में चूक होगी तो मैं दूसरे में कैसे नंबर वन नहीं बनता। सुनिए, इनोवेशन की बात हो रही थी बेटा, टी सीरीज से गलती हुई, टी सीरीज सोच रहा था कि दोबारा जमाना आएगा ऑडियो कैसेट का, वो बैठे रहे, वो डीवीडी सीडी बहुत लेट लॉन्च करी, बैठे रहे, नहीं अभी दोबारा जमाना आएगा ऑडियो कैसेट का, जबकि बाजी मार गया और प्लेयर्स सोनी एंड ऑल दैट कंपनीज इन डीवीडी मेकिंग। गलती हो गई, हमने एक ये फ्री टर्म पढ़ी थी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जो पहल करता है वो ही हमेशा जीतता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो टी सीरीज वाले भाई से गलती हो गई, हमारा जमाना वापस आएगा कैसेट का, जबकि कोई और ले गया डीवीडी, मैंने डीवीडी लेट निकाली। नोकिया ने भी तो एंड्रॉइड लेट निकाला, कहां वापस अपनी पोजीशन रीगेन कर पा रहा है। तो मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था भूषण कुमार का किसी टीवी चैनल पे, कहता उसने कन्फेस करा हमसे गलती हुई, कहता लेकिन हमने अपना ट्रैक चेंज करा, हम लोग अब लीडर हैं म्यूजिक लेबल्स में। आपको जान के बड़ा सरप्राइज्ड होगे, पता भी होगा, इंडिया का नहीं वर्ल्ड का बेस्ट रिकॉर्डिंग स्टूडियो दे हैव। डीवीडी में चूक गए कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग अब नंबर वन है रिकॉर्डिंग। कोई पंजाबी सिंगर आ जा, तमिल आ जा, कोई सिंगर है कोई रीजनल लैंग्वेज आ जा, हॉलीवुड बॉलीवुड आ जाओ भाई, आ जाओ, हमारा स्पेशलाइजेशन है। एक में चूक गए दूसरे में चूक गए, क्यों? इनोवेशन कर लिया, समय के साथ साथ चल गए। मैं ठीक कह रहा हूं, आप पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, क्यों? तुम लोग तो म्यूजिक सुनते हो, ठीक कह रहा हूं, गाना सुनते हो, मूवीज देखते हो, तो मैं सचिन सर गलत नहीं है, आपके जो भी ये म्यूजिक लेबल्स है मैक्सिमम टी सीरीज की है, पंजाबी है ये वो, क्यों नहीं? तो बन गया ना उस फील्ड में किंग, गलती है सीख गया, दोबारा गलती नहीं होने देगा जी। तो ये इनोवेशन हमारा मेन फंक्शन हुआ। चलिए जी, आज के लिए लास्ट करते हैं, सुनिए, और जो मैं अब लास्ट करवाऊंगा इसी के साथ हमारा प्रोडक्शन चैप्टर हो जाएगा अबाउट 30%, 30-35%, ठीक है बेटा जी। आज हमने करा कैपिटल के टाइप्स, नहीं सिर्फ नाम बता रहा हूं बेटा, लर्न करवा चुका, दोबारा क्यों टाइम वेस्ट करूंगा। कैपिटल के टाइप 7, फिर सचिन सर ने करवाया कैपिटल फॉर्मेशन के 3 स्टेजेस इन सीक्वेंस, वेल्थ के 3 टाइप्स, नेचुरल, मैनमेड, ह्यूमन कैपिटल। एंटरप्रेन्योर जो नया बिजनेस शुरू करता है, 3 फंक्शन, कोऑर्डिनेशन, इनिशिएट, रिस्क बियरिंग, इंश्योरेबल, नॉन इंश्योरेबल, 3rd इनोवेशन। आइए जी, लास्ट फॉर टुडे, प्रोडक्शन
फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। मेरे प्यारे शतानों, फंक्शन का मतलब इकोनॉमिक्स ये वो फंक्शन नहीं है, आपके मेरे घर में फंक्शन है वो फंक्शन का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है इक्वेशन, इक्वेशन। और मैथ्स में चैप्टर नहीं था फंक्शंस, फिर सचिन सर ने जोड़ दी पीछे वाले टॉपिक से बात, और फंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा मैथ्स में। हाँ जी जी जी, प्रोडक्शन फंक्शन। तो फंक्शन का मतलब है इक्वेशन, तो इसका मतलब सचिन साहब को इक्वेशन पढ़ाओगे इसके अंदर। बिल्कुल, हिंट क्यों दिया, ताकि आप लोग पहले से आइडिया कुछ लगा लेंगे। तो इसके अंदर कुछ फंक्शन होगा, इक्वेशन होगा। द टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल फंक्शनल, कोई भी वर्ड लिखाओ हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। सचिन सर कोशिश करते हैं कि सारे अदर वर्ड लिख दूं एक साथ ऑब्लिक ऑब्लिक करके, पता नहीं क्वेश्चन पेपर में कौन सा वर्ड आए। जी कोशिश करता हूं। द टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिलिंग द ब्लैंक्स, आप फिल करेंगे सचिन सर की कहानी सुन के। किसी बिजनेस में सबसे पहले क्या चाहिए, रुकिए ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिर मीनिंग पूरा हो जाएगा। किसी बिजनेस में सबसे पहले क्या चाहिए, इनपुट आउटपुट। आई रिपीट माई वर्ड, किसी बिजनेस में, स्कूल में, कॉलेज में, जिम में, एयरपोर्ट में, किसी बिजनेस में सबसे पहले क्या नीड होती है, इनपुट आउटपुट। इनपुट इनपुट, उससे आउटपुट बनता है। पहले इनपुट, उससे आउटपुट बनता है। इस रिलेशनशिप को बोलते हैं बेटा प्रोडक्शन फंक्शन, इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट। में जो रिलेशनशिप होता है, कौन सा रिलेशन, टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल फंक्शन इक्वेशन वाला, इनपुट आउटपुट के रिलेशन को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। इक्वेशन लिखेंगे बेटा, क्यू का मतलब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ये मैं इक्वेशन लिख रहा हूं प्रोडक्शन फंक्शन की। क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, एफ एफ एफओपी, कल बात हुई थी एफओपी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एल एल ए भूलना मत, इस चैप्टर में आगे पूछूंगा। एल ए सिंबल होता है लैंड का, एल सिंबल होता है लेबर का, के कैपिटल का, ई एंटरप्रेन्योर। तो फिर आपके सामने जो जो मैंने लिखा क्यू इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में एल ए एल के, तो ये जो जो मैंने लिखा ये टेबल हुआ, ग्राफ हुआ, इक्वेशन हुई, इक्वेशन हुई ना, तो भी तो बोलेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। पहले इनपुट फिर आउटपुट, उस रिलेशनशिप को बोलते हैं टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट आउटपुट, इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। चलिए लर्न करिए, क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कब बनेगी, जब हम लोग एफ लगाएंगे, एफ फैक्टर प्रोडक्शन, एल ए, एल ए किसका होता है लैंड का, भूलना मत, एल ए सिंबल किसका होता है लेबर का, के कैपिटल का, और ई एंटरप्रेन्योर का। मैं ये इक्वेशन सुनूंगा आपसे इरेज करने के बाद, फिर आज का सेशन वाइंड अप करेंगे। लर्न कर लो फटाफट जल्दी, वॉच देख के दिया आपको मैंने 10 सेकंड्स सिर्फ इस इक्वेशन को लर्न करने के लिए, फास्ट जल्दी मेरे शैतानों, जल्दी जल्दी। चलो
10 सेकंड्स हो गए, सचिन सर भूल गए, आपको भूलने दूंगा नहीं। कैसे भूलोगे आप, भूल के दिखाओ। चलिए जी, क्यू स्टैंड फॉर क्वीन। क्यू स्टैंड फॉर यस क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एफ स्टैंड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एल ए लैंड। एल लेबर। के किरण। ओए कौन बोल रहा किरण, चुप। किरण कैपिटल जी। किरण दीदी को साइड में रखो अभी। एल ए लैंड, एल लेबर, के कैपिटल, किरण नहीं, और ई एंटरप्रेन्योर, ब्रैकेट क्लोज। तो प्यारे शतानों, आज की क्लास के साथ हमारे 4 एफओपी पूरे हो गए। लास्ट क्लास में यूटिलिटी हुई थी, लैंड हुआ था, लेबर हुआ था, आज कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ओके, तो मैंने क्या बोला था अभी 5 मिनट पहले कि इसी के साथ हमारा अबाउट 35% चैप्टर्स पूरा हो जाता है। अब इसके बाद जो शुरू होगा, सुनना, इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन में होगा वो होगा 11th वाला एंड एडवांस्ड। ये सब 11th में नहीं था, सोच के देख लो, था 11th में माइक्रो में प्रोडक्शन चैप्टर था नहीं ना, था तो ये चीजें नहीं थी। अब जो मैं करवाऊंगा वो 11th वाला एडवांस्ड है। रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल, टीपी, एपी, एमपी, टोटल प्रोडक्ट, मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं, कुछ बैक ऑफ माइंड से आगे आ जाए। रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल, टीपी, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये जो 11th में करा था वो करेंगे अब आगे इस चैप्टर में विद एडवांस लेवल। ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे शतानों, आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा, जैसे पहले क्लास में क्लियर हुआ था आज भी क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ बेटा, लर्न भी हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है बेटा, बाय बेटा, बाय, टेक केयर, गुड डे बेटा।